अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। इंदरगढ़ में वार्ड क्रमांक 9 में चरनोई की जमीन पर प्रशासन का चला बुलडोजर। दतिया जिले के इंदरगढ़ तहसील में वार्ड क्रमांक 9 में चरनोई की 11 बीघा शासकीय जमीन को प्रशासन ने जेसीबी मशीन चलाकर अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया है। अतिक्रमणकारियों उसरी नाम से जानी जाने वाली चरनोई की सरकारी जमीन पर खेती कर रहे थे और कुछ लोगों ने अवैध रूप से निर्माण कर लिया था। साथ ही अनेक लोगों ने अलग अलग समाजों के महापुरुषों के नाम पर अतिक्रमण कर शासकीय भूमि पर धार्मिक स्थल बना लिए थे। प्रशासन की अनदेखी के चलते लंबे समय से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का खेल चल रहा था। शिकायतों के बाद भी स्थानीय राजस्व विभाग सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रोकने के प्रति उदासीन है, जिसके कारण अनेक अतिक्रमणकारियों ने शासकीय भूमि पर कब्जा करने के बाद चारनोई की भूमि को अपने निजी आराजी में मिलाकर उस पर खेती करने लगे और कुछ ने उक्त जमीन पर सामाजिक चबूतरे बनाकर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। तहसीलदार ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से लगभग 1 करोड़ से अधिक शासकीय भूमि से अवैध कब्जे हटाते हुए अतिक्रमण की गई शासकीय भूमि मुक्त कराई गई। उसरी ग्राउंड पर पूरा प्रशासन इकट्ठा है, तो आज क्या कार्रवाई की गई? एक शासकीय भूमि है जिस पर हम और आप खड़े हैं और ये शासन की भूमि है। यहाँ पर बच्चों का ग्राउंड, बच्चे खेलते हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार शिकायत आ रही है अतिक्रमण की, तो आज हम चिन्हांकन और सीमांकन दोनों कर रहे हैं, है ना। और जेसीबी जो चल रही है, तो मतलब इससे क्या कार्रवाई हो रही है? हम सीमा चिन्ह कायम कर रहे हैं हमारी कौन सी भूमि। अच्छा, इन लोगों की कहना है कि ये सीमांकन है, कुछ के खेतों में ज्यादा गया है, कुछ के कम गया है। मेरे पास पूरी टीम है, राजस्व की टीम है, पुलिस की टीम है और सीएमओ साहब की टीम है। हम जो विधि सम्मत कार्रवाई वही कर रहे हैं। अच्छा, और जो यहाँ ग्राउंड में जो बाउंड्री वाल हटाने की इनकी मांग है और जो मंदिर हटाने की, इस पर क्या कहना है? ये माननीय विधायक जी ने, नाम मुझे पता नहीं है, है ना, लेकिन उन्होंने विधायक निधि से पैसा दिया है, उसी से ये बना हुआ है, तो ये शासकीय है, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है। और ये मंदिर सर? मंदिर अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी ही आपको अगला खबर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये शासकीय चरनोई नजूल आबादी का नंबर है जी, और इसमें चारों तरफ से देख रहे हो क्या हो गया है जी, उसको रोकने के लिए शासन ने कदम उठाया, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ जी। और यहाँ जो मैंने चर्चा करनी बच्चों से, उनका ये कहना था हम जहाँ क्रिकेट खेलते हैं, अब क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, इस बच्चों को उठावा है, तो शासन ने उसमें टीम गठित की है। और आप देख रहे हो कि हमारा जो आज का जो कार्रवाई है वो मात्र इस ग्राउंड की सीमा चिन्हों के लिए कराई गई है, चिन्हित करने, तो मशीन हमारी सीमा चिन्ह निश्चित कर रही है। और रहा सवाल आक्रमण का, तो जो वैधानिक कार्रवाई है, विसंगत कार्रवाई करवाएं उस करेंगे, उसमें जिन लोगों ने कर रखा है उनको विधिवत नोटिस जारी करेंगे, उसमें उनकी भी सुनेंगे, निर्णय हमारे वरिष्ठ अधिकारी करेंगे।